योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम तो बन चुके हैं, लेकिन इस सूबे को साधना कभी आसान नहीं रहा। इंडिया न्यूज वायरल आपको बताने जा रहा है वो पांच सबसे बड़ी चुनौतियां, जिनसे पार पाना योगी के लिए होगा सबसे मुश्किल। योगी के सामने पहली चुनौती, यूपी की कानून व्यवस्था। यूपी हमेशा से अपने लचर कानून व्यवस्था के लिए बदनाम रहा है और यही योगी की पहली और सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। योगी आदित्यनाथ के लिए आते ही चीजों को ठीक करना लगभग नामुमकिन ही है। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में वक्त लगेगा, लेकिन जितना वक्त बढ़ता जाएगा उतनी ही उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में गिरावट भी आएगी। वैसे एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे कदम उठाकर उन्होंने जनता में जो कहा वो किया वाली छवि तो बना ही ली है। दूसरी चुनौती, किसानों की कर्ज माफी का वादा। योगी के सामने किसानों की कर्ज माफी का वादा निभाना दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। यूं तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कह चुके हैं कि पहली ही कैबिनेट बैठक में ये फैसला कर लिया जाएगा, लेकिन इसको लागू करना उतना आसान नहीं है। हाँ, एक बात जरूर योगी के पक्ष में जा रही है और वो ये कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के चलते उन्हें भरपूर सहयोग मिलेगा और कर्ज की माफी से सूबे के खजाने पर जो बोझ पड़ेगा वो केंद्र हल्का कर देगा। तीसरी चुनौती है राम मंदिर का मुद्दा। योगी के सीएम बनते ही एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा गरमाने लगा है। ऐसा होने के पीछे दो वजह है। नंबर एक तो ये मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में सबसे पुराने मुद्दों में से है। दूसरा ये कि खुद योगी और उनकी गोरक्षनाथ पीठ राम मंदिर आंदोलन से गहरे जुड़े हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें। अदालत की सलाह का स्वागत तो योगी ने किया है, मगर क्या वाकई वो दोनों पक्षों को बिठाकर सहमति के साथ किसी बिंदु तक पहुंच पाएंगे? योगी के सामने चौथी चुनौती होगी यूपी के पुराने घाघ अफसरों से निपटना। यूपी के प्रशासनिक तंत्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुनने वाले दोनों पार्टियों के चहेते खूब हैं। योगी की टक्कर हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों से ही होती रही है। अब योगी आदित्यनाथ को इन्हीं अधिकारियों के बीच में से अपने पसंदीदा लोगों की टीम बनाकर उनसे अपनी योजनाएं लागू करवानी है। जड़ जमाए बैठी नौकरशाही से खुद को बचा पाना इस सरकार के सामने चौथी सबसे बड़ी चुनौती होगी। पांचवी चुनौती, आला नेताओं को साथ लेकर चलना। 44 साल के योगी यूपी के कई नेताओं के मुकाबले काफी यंग है। यूपी बुजुर्ग नेताओं का गढ़ है और मोदी की भी हमेशा उस पर खास नजर रहती है। ऐसे में योगी कैसे सबको साथ लेकर चलते हैं और मोदी की नजरों में खरे उतर पाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।